नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. हमने इससे पहले क्या किया, बायट-सेवर्ट्स लॉ. बायट-सेवर्ट्स लॉ आपको छोटी लेंथ, छोटे एलिमेंट की वजह से डीबी देता है. पर हमें क्या करना है, हमें बड़ी वायर अगर गिवन है उसका डीबी निकालना है. हमें छोटी वायर का तो पता है पर बड़ी वायर का नहीं पता. तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर है उसकी वजह से आपको बी निकालना है, उसकी वैल्यू देगा. तो इसके अंदर कुछ ऐसा केस है कि जैसे आपको एक लॉन्ग कंडक्टर गिवन है जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट है. इस लॉन्ग कंडक्टर से ए डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इस लॉन्ग कंडक्टर के ए डिस्टेंस दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, और ये वायर स्ट्रेट है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है. टेढ़ी मेढ़ी वायर के लिए रिजल्ट लगेगा नहीं. तो स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, बी निकालना है. तो ये मेरा क्वेश्चन है. अब इसकी पूछोगे लेंथ क्या है, नहीं लेंथ मुझे पता नहीं क्या है. आपको क्या गिवन होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, आपको ये करंट गिवन होगा, आपको ए गिवन होगा, आपको साथ में ये भी गिवन होगा कि इस वायर के जहां पर आपको बी निकालना है, जहां आपको बी निकालना है वहां पे इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे की तरफ ये एंगल कितना है यहां पर 51, और ऊपर की तरफ ये एंगल कितना है इसमें 52. एंगल कितना गिवन है 51, एंगल कितना गिवन है 52, राइट. तो इसके अंदर ये स्ट्रेट वायर है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, ये ए डिस्टेंस है. तो इस कोने ने यहां पर एंगल 51 बनाया, उस कोने ने एंगल 52 बनाया, तो आपकी लेंथ की जगह उसे एंगल दे दिए कि एंगल 51 से लेके 52 तक आपको लेंथ की बजाय एंगल दे दिए. तो आपको इस पूरी वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहां निकालना क्या होगा. हाँ, स्मॉल एलिमेंट का आपको निकालना आता है. तो लॉजिक तो वही है कि हम क्या करेंगे इसमें, वी विल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, कोई भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहां पर डीएल. इस एलिमेंट की दूरी सपोज यहां से कितनी है आर, और मान लेते हैं ये डीएल है, ये आर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है थीटा. तो बायट-सेवर्ट लॉ से मैं डीएल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर डीबी तो निकाल सकता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, ये तो मैं निकाल सकता हूं. लेकिन मैं यहां पर पूरी वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल नहीं सकता, उसके लिए मेरे को इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डीबी, अगली वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन डीबी डीबी करके मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल भी आ जाएगा. क्लियर है यहां तक, यानी कि पहले छोटा एलिमेंट का बी निकलेगा, डी बी निकलेगा, और पूरी वायर के लिए इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, राइट. तो ये करने के लिए काम करते हैं, लोअर एंड का एंगल 51 इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, अपर एंड का एंगल 52, और सपोज करो ये एलिमेंट है, ये यहां पे कितना एंगल बना रहा है 5. इस एलिमेंट ने यहां पे लाइन के साथ क्या एंगल बनाया 5. तो एक बना 51, एक बना 52, एक बना 5, ये बना ए, ये बना आर, और ये एलिमेंट आपने कितनी दूरी पे लिया है, एल दूरी पे लिया है. बस ये इसके करेक्टर्स हैं सारे. तो एक आपको चाहिए 52, 51, इस एलिमेंट डीएल, इसकी दूरी यहां से एल, आर 5. कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ठीक है. अब इस फिगर को देखो, मैंने यहीं पे ये ड्रॉ किया हुआ है, यही ड्रॉ किया. तो ये वायर, इस वायर का लोअर एंड 51, अपर एंड 52, एलिमेंट डीएल, एलिमेंट की दूरी एल, एंगल कितना थीटा, ये कितना आर, और इस एलिमेंट ने एंगल कितना बनाया 5. तो सेम चीज मैंने ड्रॉ की, ठीक. तो हम एक काम करते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी निकालते हैं. तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. क्लियर है यहां तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं. इसके अंदर हम एंगल थीटा में काम नहीं करेंगे, हम एंगल्स फाई और डी फाई में काम करेंगे, फाई और 51 और 52 में. तो एक काम करते हैं, ये आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें. राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा. इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपकी लेंथ, ये जो है एंगल कितना है 5, ये देखो ये वाला एंगल कितना है टोटल, ये 5 है, राइट. ये जो एंगल है
ये एंगल कितना है टोटल, ये फाई वन, ये फाई वन नीचे वाला है फाई, ये कितना है आर, या ऐसे करो ये एंगल फाई, ये एंगल कितना थीटा, और ये कितना 90, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ऊपर थीटा की जगह 90 माइनस फाई, ये पुट कर दिया, साइन ऑफ 90 माइनस फाई क्या होता है कॉस फाई। तो क्योंकि सारे एंगल फाई वन फाई टू की फॉर्म में चल रहे हैं, तो थीटा की फॉर्म में चलना नहीं, तो मैंने थीटा को फाई में कन्वर्ट कर लिया। पहला स्टेप क्लियर, बस अब दो स्टेप और आंसर आ गया। डीएल और आर की वैल्यू निकाल लूंगा, एक वैल्यू निकाल लूंगा डीएल की, एक वैल्यू निकालूंगा आर की। कैसे, ध्यान से देखना इसे, मैं इसमें यही फिर से ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल फिर से ले रहा हूं, ये वाला, और ये एंगल कितना है फाई। इस ट्राइंगल में मुझे बताओ कॉस फाई किसके इक्वल है, कॉस फाई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, ए बाय आर, और इस ट्राइंगल में कॉस फाई ए बाय आर है। इसी ट्राइंगल में टेन फाई किसके इक्वल है, एल डिवाइडेड बाय ए, टेन फाई इज इक्वल टू एल बाय ए, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी है ए बाय आर, टेन फाई की वैल्यू कितनी है एल बाय ए। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां से कॉस फाई की वैल्यू ए बाय आर, टेन फाई की वैल्यू एल बाय ए, ये देखो, ये देखो, तो इसके अंदर कॉस फाई इज ए बाय आर, हमने क्या निकालना है आर, एक काम करते हैं आर को एक तरफ, कॉस फाई को इसके नीचे, तो वन बाय कॉस फाई क्या होता है सीकेंट फाई, तो वन बाय कॉस फाई इज सीकेंट फाई, क्लियर यहां तक? तो यहां से आर की वैल्यू ए सीकेंट फाई, इस आर की वैल्यू ए सीकेंट फाई को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा ए सीकेंट फाई का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो यहां पर आर की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, और एक और टर्म ली थी टेन फाई, टेन फाई क्या होता है एल बाय ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो फाई किसमें, फाई किसमें आ जाएगा टेन फाई, एल किसमें बन जाएगा डी एल, तो यहां पर क्या आएगा डी एल, ए टेन फाई की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर फाई और एंगल की डी फाई, तो यहां से क्या आ गया डी एल। तो एक काम करो डी एल की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो और आर की वैल्यू को नीचे पुट कर दो, तो आपके सामने ये टर्म आ गई, ये आर का स्क्वायर आ गया, ये डी एल आ गया, इस स्क्वायर को ओपन कर लो, सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए से क्या हो जाएगा ए कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी बी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लेकिन अब इंटीग्रेशन जो चल रही है वो इन टर्म्स ऑफ क्या चल रही है डी फाई एंड फाई। क्यों किया ये? इसलिए किया ताकि हम लिमिट्स एंगल की फॉर्म में लगा सकें, क्योंकि एंड में हमें रिजल्ट फाई वन फाई टू की फॉर्म में निकालना है। तो आपको अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाई है तो लिमिट्स ही फाई की लगेंगी, एंगल्स की लगेंगी, अगर डी एक्स है तो एक्स की लिमिट लगेंगी, और डी एल है तो एल की लिमिट लगेंगी। अब यहाँ पर लिमिट्स क्या लगेंगी, मेरे को यहाँ पर भी निकालना है, ये वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मेरी वायर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब कैसे बोलते हो, इस लाइन से नीचे जाओगे फाई वन तो लोअर एंड आएगा, ऊपर आओगे तो अपर एंड आएगा, यानी कि फाई वन से फाई टू। तो लिमिट पुट करें, लिमिट में क्या आएगा फाई वन से लेके फाई टू तक जाना है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था ये परपेंडिकुलर लाइन है, नीचे के एंगल ये नीचे का एंगल है, हम फिजिक्स में नीचे नहीं बोलते, हम इस लाइन के आगे क्या लगाते हैं माइनस फाई वन का मतलब नीचे का एंगल से लेके ऊपर का एंगल फाई टू, ऊपर को क्या लिखते हैं प्लस फाई टू, समझ में आया लिमिट्स? तो माइनस फाई वन से लेके प्लस फाई टू, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया आई बाय ए, कॉस फाई की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी है साइन फाई, माइनस फाई वन से फाई टू, एक बार फाई की जगह अपर लिमिट, एक बार फाई की जगह लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई, क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला याद करने आपने कि अगर एक फाइनाइट वायर आपको मिल जाती है, ये री आपको लेंथ तो पता नहीं वायर की, आपको एंगल्स पता है फाई वन फाई टू, और आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है ए, तो आप ये फॉर्मूला लगा के बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एनसीईआरटी का प्रूफ है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में आएगा, बिल्कुल आएगा।
अगर सब कुछ ही एनसीईआरटी से कट जाएगा तो फिर आएगा क्या, क्या आएगा? कूलम लॉ, बस 1/4 π/q/r², उसमें 95% नंबर आएगा, ठीक है? और बहुत मुश्किल थोड़ी ना, एक ट्राइंगल लेके दो तो स्टेप्स किए, ख़त्म। और इसके अंदर अगर सपोज करो वायर इनफाइनाइट लंबी है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे, एक एंगल क्या लेंगे π/2, दूसरा भी π/2, याद है? क्योंकि इन्फिनिटी में क्या होता है, ये वायर बहुत लंबी है तो एंगल बढ़ता 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 जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा बहुत दूर जाके मिलेगा तो क्या बोलते हैं, एंगल 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट वायर में दोनों एंगल 90, साइन 90, साइन 90, 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, 0/4π/2i/a। वो डाउट इसमें क्या, स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। इनफाइनाइट वायर में बहुत रिजल्ट आता है, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों पे बहुत आता है, तो दोनों क्लियर है। और अगर ये ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए, बी और ए में क्या ग्राफ है, तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट? ये भी क्लियर है, तो हाइपरबोला इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल केस हैं, जो ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्या, कैसे? आपको कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट वायर देगा ही नहीं, आपको कहेगा कि ये वायर है, ये वायर है, एक तरफ से तो इनफाइनाइट है और दूसरे तरफ से यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस कितना है, ए, तो नीचे का एंगल कितना है 30, ऊपर का एंगल कितना है 90, तो क्या आएगा, 0/4π/i/a साइन 30 + sin 90। लगा लोगे फॉर्मूला? आपने यहां पर 90 नहीं पुट करना, क्योंकि डेरिवेशन में ऑलरेडी 90 - 5 1 हम पुट कर चुके हैं, बार बार नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहां सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे अगर आपको ये वायर यहीं से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, तो एक तरफ से इनफाइनाइट वायर है, लेकिन जहां पर आपको बी निकालना है, यहां बी निकालना है, यहां पर आपको बी निकालना है, तो यहां पर नीचे वायर है ही नहीं, तो इस लाइन के नीचे का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो है ही नहीं, तो ऊपर का एंगल क्या रहेगा 90, तो क्या करेंगे इसमें, 0/4π i/a साइन 0 + sin 90। क्या स्टेप क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि अगर वायर नीचे एग्जिस्ट ही नहीं करती इस लाइन के नीचे, तो नीचे का एंगल तो उड़ा ही देंगे, जीरो हो जाएगा, और ऊपर का एंगल रख लेंगे जो कि 90। ये टर्म भी आ गई। अब ये केस आता है, क्या केस आता है, अगर ये एक वायर है, अगर ये एक वायर है, ये वायर है, इसमें आई करंट है, एक तरफ तो इनफाइनाइट है, स्टार्ट लेकिन यहां से हो रही है, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन है, यानी ये गिवन है, तो आपको यहां पर बी निकालना है। कहने का मतलब कि इनफाइनाइट वायर है ये, देखो ऐसे, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर बी निकालना है, यानी कि यहां पर ये वाला एंड भी ऊपर लाई करता है और ये वाला एंड भी ऊपर ही लाई करता है, दोनों एंड वायर के कहां लाई करते हैं, ऊपर ही लाई करते हैं। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो इस लाइन के ये एंड भी ऊपर लाई करता है और ये एंड भी ऊपर लाई करता है, तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या रखे जाएंगे, पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव, ऊपर वाला एंगल भी पॉजिटिव और उससे ऊपर वाला एंगल भी पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इसमें, पॉजिटिव। तो मैंने इसको ना एक छोटी सी डेरिवेशन बना दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या किया, जब आप ऊपर डेरिवेशन कर रहे थे ये वाला केस में, जब एक एंगल इस लाइन के नीचे होता है, एक ऊपर होता है, तो आपने लिमिट क्या पुट की थी, -π/1 से +π/2 पुट की थी, और जब आपने इसमें ये वैल्यू पुट की थी तो आपके पास ये आंसर आया था, ऐसी था। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो इंटीग्रेशन चलेगी, जब चल रही थी वहां से वो रिजल्ट उठाया मैंने, लेकिन आपको डेरिवेशन के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, दोनों लिमिट्स पॉजिटिव पुट करके ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डेरिवेशन में एक एंगल नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, लेकिन मेरे रिजल्ट में जो मैं करने जा रहा हूं उसमें दोनों के दोनों एंगल क्या है, पॉजिटिव है। कोई डाउट इसमें? तो दोनों के दोनों पॉजिटिव एंगल का मतलब कहां से कहां तक, फाइव वन से लेके फाइव टू तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे साइन फाइव, फाइव वन और फाइव टू पुट करोगे लिमिट, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हो। तो फ्यूचर में अगर वो वायर स्टार्ट हो रही है ऊपर से और आपकी लाइन दोनों एंगल्स ऊपर ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो डराइव करने की जरूरत क्या है, आप रिजल्ट को ऐसे ही याद कर लें। यानी कि अब हमारे पास दो रिजल्ट हो गए, अगर तो वायर इस सिचुएशन में मिली आपको, ऐसे मिली कि एक वायर का एंड नीचे और एक ऊपर है, फिर तो आप ये फॉर्मूला यूज कर देना, और अगर दोनों एंड्स वायर के कहाँ पर हैं, ऊपर ही ऊपर हैं, फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर देना, ये फॉर्मूला। जैसे मेरे इस क्वेश्चन में
मान लो एक एंगल कितना है, ये एंगल कितना है पाई बाई थ्री, और एक इन्फिनिटी की वजह से एंगल कितना है 90, तो मैं क्या पुट करूँगा, मैं यहाँ पर साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू, तो एक एंगल पुट करूँगा 90 ऊपर वाला और एक एंगल पुट करूँगा नीचे वाला, ऊपर एंगल कितना है पाई बाई टू, इनफाइनाइट की वजह से पाई बाई टू, नीचे वाला एंड पाई बाई थ्री, तो ये पहला एंगल ऊपर वाला है, दूसरा एंगल नीचे वाला है, याद रहेगा रिजल्ट, कोई डाउट इसमें? ऐसा रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट में भी करते थे, उसमें प्रूफ नहीं किए थे, जान के नहीं करवाए थे, हालांकि लिख के दिए थे प्रूफ, क्यों नहीं करवाए थे, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट के ना एनसीईआरटी में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनसीईआरटी में नहीं है, और पता ही था आफ्टर डूइंग दीज मैग्नेटिक के रिजल्ट्स करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फील ही नहीं होगा, पता लग जाएगा कि कैसे किया है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उसी फील्ड